डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द लेसन एनिमी, शत्रु दुश्मन के। आइए शुरू करते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की स्थिति क्या थी? किस मैन की? हु जो अराइव्ड आया था एट सदाओज डोर स्टेप्स, सदाओ की सीढ़ियों पर। आंसर द मैन, वह आदमी वाज बैडली वुंडेड, बुरी तरह से घायल था। ही वाज वेट, वह भीगा हुआ था, बुरी तरह से गीला था। एंड कवर्ड, और सना हुआ था विद सैंड, धूल से। हिज क्लॉथ्स वर ऑलमोस्ट रैग्स, उसके जो कपड़े थे एक तरह से चीटड़ों की शक्ल में थे। दे हैड सोक्ड, उन्होंने सोख लिया था सी वाटर, समुद्र के पानी को। ही हैड अ रफ येलो बियर्ड, उसकी पीली दाढ़ी थी बहुत ही रफ कंडीशन में। हाउ डिड सना एंड सदाओ, कैसे सना और सदाओ ने आइडेंटिफाई द मैन, उस व्यक्ति को पहचान लिया? अंतर देखेंगे। ऑन हिज कैप, उसकी टोपी पर, देयर वाज द फेंट लेटरिंग यूएस नेवी, थोड़ा धुंधला सा लिखा हुआ था यूएस नेवी, यानी कि अमेरिका की नेवल आर्मी, जल सेना। हिज लुक्स रिवील्ड एज ए वाइट मैन, उसके जो लुक्स थे नए नक्श थे, वो एक गोरे व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। सदाओ एंड हना फिगर्ड आउट, सदाओ और हना ने अंदाजा लगाया दैट द मैन वाज फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, को वो व्यक्ति निश्चय ही अमेरिकी युद्ध पोत से आया है। एंड ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वार, और वो युद्ध का एक कैदी है। नंबर थर्ड देखेंगे, हु वाज हना, हना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरी हर, और सदाओ ने उससे शादी कैसे की? सो हना वाज सदाओज वाइफ, हना कौन थी? सदाओ की पत्नी। ही फर्स्ट मेट हर, वो उसे पहली बार मिला इन अमेरिका, अमेरिका में, एट अ प्रोफेसर्स हाउस, एक प्रोफेसर के घर पे। दे फेल इन लव, वो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए, प्यार मोहब्बत कर बैठे। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाओ ने अपने पिता से हना के बारे में बताया, जो ये सुनकर मना नहीं कर सके। देन तब देयर मैरिज वाज अरेंज्ड, उनकी शादी तय हुई, यानी कि आयोजित हुई, इन द ओल्ड जापानीज वे, पुरापान के पुराने रीति रिवाज के अनुसार। हना वाज रियली अ डिवोटेड वाइफ, हना सच में एक बहुत ही समर्पित पत्नी थी। व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ, किस बात ने सदाओ को उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रेरित किया? सदाओ वाज अ डॉक्टर, सदाओ डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेंड, उसे ट्रेन किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था टू सेव एवरी लाइफ, प्रत्येक जीवन बचाने का। ही कुड, जो वो कर सकता था। ही वाज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, और वह अपने पेशे के प्रति बहुत ही सच्चा था। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, और अपने पेशे के प्रति उसका समर्पण था। प्रॉम्प्टेड सदाओ, उसने सदाओ को प्रेरित किया टू सेव, बचाने का द मैन्स लाइफ, उस व्यक्ति का जीवन। दो यद्यपि ही बिलोंग टू, वो संबंध रखता था हिज एनिमी कंट्री, उसके दुश्मन देश से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के पिता की सबसे खास चिंता क्या थी? तो द चीफ कंसर्न, सबसे मुख्य चिंता ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के पिता की, वाज मींस थी, सदाओज एडुकेशन, सदाओ की शिक्षा या उनकी पढ़ाई। फॉर दिस वेरी पर्पज, इस सबसे खास उद्देश्य के लिए ही उन्होंने सेंट सदाओ, सदाओ को भेजा टू अमेरिका, अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी सीखी उन्होंने, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना, एंड मेडिसिन और दवाओं के बारे में। व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, संदेशवाहक सदाओ के पास, यानी कि डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया? द मैसेंजर केम टू सदाओ, संदेशवाहक आया सदाओ के पास, बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम, डॉक्टर सदाओ को जाना था टू कहां? द पैलेस, महल में। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन,
जो पुराने बुजुर्ग जनरल थे वो बहुत दर्द में थे। अगेन एक बार फिर द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, क्योंकि उन पर एक अटैक हुआ था। डॉक्टर सदाव कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, और डॉक्टर सदाव की जरूरत थी वहां ऑपरेशन करने की। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। हना द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव की पत्नी, हेल्ड द कॉटन सोक्ड इन एनेस्थेटिक, उन्होंने एक नशे में डूबा हुआ कॉटन लिया नियर द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द व्हाइट मैन, उस गोरे व्यक्ति के नथनों के पास, एंड डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन द मैन, डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति का ऑपरेशन किया, एंड टुक आउट द बुलेट, और बुलेट को बाहर निकाला फ्रॉम हिज बैक, उसकी पीठ से। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू, डॉक्टर सदाव क्या करेंगे टू गेट इट ऑफ द मैन, उस व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए। सो डॉक्टर सदाव विल प्रोवाइड हिम अ बोट, वो उनके लिए एक बोट का इंतजाम करेंगे विद इनफ फूड, जिसमें पर्याप्त खाना होगा, क्लॉथ एंड कपड़े होंगे इन इट, इसमें ही विल हेल्प हिम टू रीच अ नियर बाई आइसलैंड, वे मदद करेंगे उसकी पास के टापू पर पहुंचने के लिए। फ्रॉम देयर, वहां से ही विल बी एबल टू टेक कोरियन फिशिंग बोट, उसे एक कोरिया की फिशिंग बोट मिल जाएगी, एंड स्केप टू फ्रीडम, इस तरह से वह आजाद हो जाएगा। दस इस प्रकार डॉक्टर सदाव विल गेट रिड ऑफ द मैन, डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति से छुटकारा पा लेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी, नमस्कार।